मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया फिर समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। मैं छोटेलाल कक्षा अष्टम बा का छात्र आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है बस अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं, अब मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी सुर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं अपनी कविता को एक विचार के साथ समाप्त करता हूँ। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछना कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। धन्यवाद।